सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आप हमारे चैनल पर देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे जो इतने भी महापुरुष हैं उन्हीं पर हम डिबेट रखते हैं, डिस्कशन रखते हैं, और बुद्धिजीवियों के साथ बुला करके उनके साथ बात करते हैं, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। जैसे कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उसमें जैसे कबीर दास हैं, पेरियर साहब हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, सावित्री बाई फुले हैं, रविदास जी हैं, और तथागत बुद्ध हैं, उन्हीं के मुद्दों पर हम डिबेट रखते हैं। तो आप देखिए हमारे बहुजन मुद्दों पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंबेडकर नेशन में, और मैं हूं आपके साथ वैशाली प्रसाद, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गौतम रत्ना जी, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड सोशल एक्टिविस्ट। आज हम लोग उस मसले के बारे में बात करने वाले हैं, उस दुख भरी घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जिन तीन लोगों की हत्या कर दी गई है बहुत ही बुरा तरीके से। ये घटना आगरा के सेया गांव की है, जिस तरह उन समाज के लोगों ने उन तीन लोगों को नाले के अंदर फेंक दिया है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, जो घटना घटित हुई है अभी? सभी साथियों को, सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं अंबेडकर नेशन से, जो ये घटना है 14 तारीख की घटना है, और इसमें तीन जाटव समाज के, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर वो कैटेगरी आती है हमारे यहाँ पर, जो जातिवादी सिस्टम के तहत, और जो जिन लोगों ने उनको मारा है और मार करके कुएं में फेंक दिया, वो त्यागी समाज से हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं, और एक ब्राह्मण। इससे क्लियर हो जाता है कि ये वही जो हम बार बार सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे मनुस्मृति मानसिकता और जो जातिवादी मानसिकता है, जो ऊंच नीच की मानसिकता है, वो बिल्कुल साफ साफ होती है। लेकिन सवाल इस चीज का है कि उसके बाद में पुलिस द्वारा, जो मैंने भी ये देख पा रहा हूँ कि इस तरह की घटनाओं को, उसको जातिवादी अत्याचार ना दे करके पुलिस प्रशासन उसको एक घटना के रूप में तब्दील कर देता है कि भाई वो कुएं के अंदर, जिस तरह से इसमें लिखा है, जो हमारे पास अपडेट आई है, कुएं की सफाई करते हुए जहरीली गैस से उनकी जान। तो आप देखिए कितना ये अफसोसजनक है, और कितना ही हमारे देश के अंदर जघन्य स्थिति है कि पुलिस प्रशासन की मानसिकता भी एक तरीके से मनुस्मृति मानसिकता, गैर मानवतावादी मानसिकता पर पुलिस और प्रशासन काम करता है ऐसे केसेस में, कि जो नहीं होना चाहिए। तो मैं निंदा करता हूं इस तरह घटनाओं की, और बहुजन समाज से और जो समाज से जुड़े लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि उनको इस तरह के केसेस में बाहर आकर के उसको कुछ एक्शन प्लान में तब्दील करना चाहिए, चाहे वो वहां के SSP या DM जो है, या उस देश के, उस प्रदेश के जो CM है जहाँ की ये घटना है। और ये घटना भी जो हम बार बार बताते हैं, रोजाना आप लोग, हम लोग देख रहे हैं, अपने चैनल पर भी दिखा रहे हैं, कि खास तौर से सबसे ज्यादा इस तरह की जो घटना है वो जो जहाँ पर भाजपा शासित सरकार है वहां पर ही ज्यादा क्यों होती है, ये एक बड़ा सवाल है। जो दूसरे स्टेट के जो CM है, दूसरे स्टेट में जो दूसरी पार्टी की सरकार है, वहां पर इन सरकार इस तरह की घटनाओं का, जो ये बहुजन और दलितों पर जो अत्याचार है, उसका रेशियो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे नजर आता है कि जो भाजपा की जो सोच है वो कहीं ना कहीं उस मानववादी और जातिवादी मानसिकता को मजबूत करने की सोच है, क्योंकि अगर ऐसे केसेस में कड़ी कार्रवाई होगी, जिस तरह से मैं, कुछ हादसे हैं से बहुत सारे, जब मायावती CM थी तो इस तरह के केसेस में कड़ी कार्रवाई होती थी, तो जो उस मानसिकता का जो
आदमी है, उस मानसिकता का जो समाज है, उस चीज से वो डरने लगा था कि भाई अगर हम किसी बहुजन पर या किसी शेड्यूल कास्ट पर या दलित पर अत्याचार करेंगे तो हमें पुलिस उठा करके बंद करेगी या उसमें कल को कोर्ट में सजा मिलेगी। तो उस ये जो सरकार है, अभी की जो सरकारें जो चल रही हैं, तो ये सरकारें उस पर काम मेरे हिसाब से ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं, और जिस पर ध्यान देना चाहिए और समाज को, उस बहुजन समाज को बाहर निकल के आना ही पड़ेगा। और ये लोग लॉकडाउन के बहाने, लॉकडाउन के अंदर ये हो रहा है। तो अगर लॉकडाउन है तो वो कई केसेस देखे हमने कि पुलिस प्रशासन कहता है जो पीड़ित है उसको भी बोलता है कि आपके ऊपर भी लॉकडाउन का चार्ज लगेगा। वो तो वैसे ही डर जाता है, सोचता है कि मैं एफआईआर कराने जाऊंगा मेरे ऊपर भी चार्ज हो जाएगा लॉकडाउन का। तो लोग उसको न्याय दिलाने के बजाय जो पुलिस और प्रशासन, जो सरकार इस तरह का काम कर रही है लॉकडाउन के अंदर, तो लॉकडाउन तो उस जो मनुवादी मानसिकता का जो आदमी है, मनुस्मृति मानसिकता का, जो जातिवादी मानसिकता का, उस पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो देशद्रोह का काम कर रहा है। लॉकडाउन में जरूर बनाया गया है कि अगर आप लॉकडाउन में लॉकडाउन तोड़ते हैं तो आप देश के अंदर कोरोना महामारी को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर देश के खिलाफ कई सारी धाराओं पर उसको बंद किया जा रहा है। तो फिर ये लोग जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, ये बाहर कैसे आ जाते हैं, किस तरह से मार रहे हैं? जिस तरह से कल हमने वो अपना पलवल में लड़की का भी केस दिखाया था, 6 महीने से उस केस में आज तक उसमें सिर्फ झगड़ा दिखाया पुलिस प्रशासन ने कि उनमें आपस में झगड़ा हो, जबकि रेप केस है, जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां दी गई हैं और वहां पर पुलिस प्रशासन सोया हुआ। तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी ऐसे चीजों में, ऐसे जो केस हैं, जो अत्याचार के केस हैं, उनमें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और बहुजन समाज को निकल करके अगर सरकार नहीं उठाती है तो मैं समझता हूं कि उसको रोड पर आकर के, चाहे वो डीएम हो चाहे वहां का नेता हो, उसको घेराव करना चाहिए, तभी उन लोगों को एक संवैधानिक जो न्याय है वो मिल पाएगा। इस तरह से मैं सोचता हूं। आपने बहुत अच्छे अपने जो विचार है इस घटना के ऊपर काफी अच्छा स्पर्श करे हैं, जिससे पता चलता है कि दलितों के साथ जिस तरह की घटना घटी है, इस तरह का जो हादसा उनके साथ हुआ है वो काफी दर्दनाक था। आपके इन हादसों के ऊपर कोई भी कुछ किसी तरह का भी एक्शन क्यों नहीं करता? बड़े बड़े हादसे जो अगर कहीं और हादसे होते हैं, बड़ी जगहों पे होते हैं, तो उन मसलों को, उन मामलों को ज्यादातर देखा जाता है, ज्यादातर अपनी बातों पे रखा जाता है, लेकिन उन लोगों को कोई जानने वाला नहीं है, तो उन लोगों के इन चीजों को, उन लोगों के इस दर्द को आखिर बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? इस बारे में भी हम लोग फिर से बात करेंगे और फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अम्बेडकर नेशन। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।